एवडा आवाज कुछ साउंड साउंड हरे कृष्णा So, let, so we'll continue from where we left last time we finished text four so as we finish text four that means you can start writing your open book assignments you know there's something called as open book assignment. open handbook name भक्ति शास्त्री का एक सैंपल लेके चाहे तो एक सैंपल होगा भी दर्शन हाँ ठीक है ये दे दो मैं देखा था उस से क्या तो... तो अगर कभी आपको समय मिलता है हरे कृष्णा तो इसको यहाँ पे असेसमेंट पॉलिसीज़ करके लिखा है ओपन बुक एग्जामिनेशन क्लोज बुक एग्जामिनेशंस ऐसा कुछ होता है अटेंडेंस पॉलिसीज ये सब एक बार देख लीजिए ताकि आपको इसमें फिर सारा समझेगा क्या क्या कैसे होता है और ख़ास करके क्योंकि हम अभी उपदेश अमृत पढ़ रहे हैं तो उपदेश अमृत का जो उसका ईश्वप निषद हाँ तो अगर आप पेज नंबर फोर्टी टू पर जाएंगे फोर्टी वन से लेके आगे तो उसमें थोड़ा समराइज फॉर्म में उन्होंने पूरा उद्देश्य हमको दिया है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है कि हर एक श्लोका में क्या दिया गया है वो सब दिया है और उसके बाद में प्रोपा जी ने जो यूज़ किए हुए एनोलॉजीज परपोर्ट में उसको दिया गया पेज नंबर फोर्टी फाइव पे तो ये एनोलॉजी आपके एग्जाम में आते हैं आपको पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट मे टेक अ वेरी नाइस बाथ इन द रिवर डैश 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 आगे आपको लिखना है एनोलॉजी का आंसर लिखना है तो कंप्लीट फिर चाहिए एक्सप्लेन करने को बोला जाता है उसका मीनिंग सेम होना चाहिए भले ही थोड़ा वर्ड्स आगे पीछे हो जाए फिर पेज नंबर अगर फोर्टी सिक्स पे आएंगे तो पे क्लोज बुक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करके लिखे हैं ये है क्वेश्चन बैंक आपका सारा क्लोज बुक एग्जाम ये मतलब सारा मतलब बोल सकते एटी परसेंट से ज्यादा यहां से आएगा ये जो है पे, पेज नंबर फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट यह तीनों जो पेजेस है उसमें आपका क्लोज बुक का क्वेश्चंस में से मेरे बोला एट्टी टू नाइन्टी परसेंट यहाँ से आएगा क्वेश्चंस हाँ हाँ बाकी का फिर एग्जामिनेशन एग्जामिनर डिसाइड कर रहा है दो चार क्वेश्चन ऐड करने का एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा एप्लीकेशन हाँ इससे ऑब्वियसली आपको इसमें ऐसा सी सी का क्वेश्चन आएगा इसमें से रिलेटेड आएगा पेज नंबर फोर्टी नाइन देखिए आप लोग पेज नंबर फोर्टी नाइन पे ओपन बुक असेसमेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन और टू तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको लिखने हैं ठीक है पेज नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग अत्याहार एंड प्रयास इन वंस प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस मतलब अत्याहार प्रयास को हमको इसका महत्व क्या है उसको इसको कम करने का उसको नहीं करने का हाउ कैन यू अवॉइड दीज टेंडेंसीज इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे ये प्रवृत्ति को कैसे अवॉइड करेंगे आप कैसे करोगे लिखना है अलग अलग आंसर होगा आप कॉपी नहीं कर पाएंगे दूसरे का आंसर है ना तो आपका आंसर आपका होगा किसी और का आंसर उस, उसके लिए जो रेलिवेंट होगा वो होगा समझ गया टेक्स टू टेक्सट टू में से बाकी चल सकता है पर आपको खास करके आपको टेक्स्ट से देना है रेफरेंस मतलब ठीक है जैसे प्रभपात ने कहा कोई पॉइंट बोला कि चलो मतलब उत्साह फॉर एग्जांपल उत्साह का मतलब ये डेफिनेशन है तो प्रोपात जी एनओ के टेक्स्ट नंबर टू के परपोर्ट में ऐसे लिखते हैं दैट इज रेफरेंस श्रीमद भागवतम के फर्स्ट कैंटो के टेंथ चैप्टर का नाइन्थ श्लोका में ऐसे ऐसे प्रोपात जी ने कहा है परपोर्ट में बट और रेफरेंस प्रॉपर होने चाहिए शास्त्र से होने चाहिए हमारे मना समिता से नहीं होना चाहिए आंसर होता है ये कम से कम सिक्स हंड्रेड वर्ड्स का होता है शायद से हाँ सॉरी वर्ड लिमिट सुनो 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 ओपन बुक एग्जामिनेशन ये आपने पढ़ा नहीं शायद मैं पढ़ा दो आपको फिर एक बार पढ़ लीजिए एटलीस्ट तो क्वेश्चन कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी यूनिट बाई द प्राइमरी टीचर है प्राइमरी टीचर नीड्स टू गिव स्टूडेंट गाइडलाइंस ऑन हाउ एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड तो वो क्या हम कैसे कर सकते हैं जैसे अगर मैं आपको यह सिखा रहा हूँ तो मैं इसके गाइडलाइन दूंगा बाकी जो जो सिखाएगा उसको गाइडलाइंस देगा समझ गए वो ईजी होगा फिर आप लोगों के लिए ओके वर्ड लिमिट फॉर ईच आंसर इज 800 हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड वर्ड्स 800 से 900 के शब्दों के बीच में आपका आंसर होना चाहिए ना कम ना ज्यादा द मिनिमम पासिंग परसेंटेज इज 60 परसेंट ओबीए में पासिंग जो है परसेंटेज कम से कम 60 मिलेंगे तभी आपको पास हो गए आप ये तो नहीं होंगे ठीक है बाकी कुछ जो है आप पढ़ लीजिए अगर आप टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे तो फाइव परसेंट मार्क्स कम होंगे वो उस सब उसमें लिखा है अट्ठाईस अट्ठाईस तारीख तक हो जाएगा ये ओपन बुक क्वेश्चंस ओपन बुक क्वेश्चंस कब तक लिख पाएंगे आप अरे यार दो ही क्वेश्चन लिखना है तुमको एनोआई के दो ही क्वेश्चन लिखने हैं आपको अगर आप टाइप करके देंगे तो अच्छा रहता है अगर नहीं पॉसिबल तो फिर आप हाथ पे लिख हाथ से लिख के दीजिए पर फिर कोई आपको चेंज करना है और कोई आपको पॉइंट चेंज करना होगा तो पॉइंट चेंज कैसे करेंगे आप मिटा मिटना मिटाना पड़ेगा पहला क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन डेवलपिंग एंथ्यूसिजम आपके जीवन में उत्साह का वर्धन क्यों नहीं हो रहा है एंड कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस ऑफ डिवेशन सर्विस नहीं नहीं इस क्वेश्चन अलग था मैं चीज इसको ऐड किया आप लोगों को थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने बोला ऐसा इसमें लिखा है डिस्कस द चैलेंजेस यू आर फेसिंग से बढ़ रहा हूं इन डेवलपिंग एंथ्यूजम कॉन्फिडेंस इन योर प्रैक्टिस ऑफ डिवेशन सर्विस आपको कभी हमको समझ आ रही है ये कारण से मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूं मेरे को उत्साह क्यों नहीं आ रहा है मेरे को रात को नींद सुबह मेरा नींद खुलता ही नहीं है तो मंगल आरती को आने को मेरा उत्साह आता ही नहीं है है ना ऐसा नहीं होता है प्रभु जी कोई शुद्ध भक्त होगा तो उसका अलग बात है आप में से कोई शुद्ध भक्त मुझे बोलिए मैं उनके चरण धोएंगे हम वॉट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू ओवरकम दीज चैलेंजेस ये चैलेंज को आप कैसे ओवरकम कर रहे हैं यू अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस तो आंसर देते वक्त आपको लिखना है तो प्रपा जी एनओआई के टेक्स थ्री के परपोर्ट में ये चीज बोलते हैं यस यस एक्चुअली ये आपको लग रहा है आपको लग रहा है इतना ज्यादा वर्ड्स पर एक बार आप लिखेंगे ना इसका आंसर बाद में आपको अलग प्रॉब्लम आता है कि आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं हजार डेढ़ हजार हो जाते काफी बार उसको कम करना पड़ता है फिर yes, उसका पर्पज क्या है ना सी सुनिए तुरुत बीच में करना है, आपको जो तुरुत है जो सत्य है जो फैक्ट है उसको आपको प्रेजेंट करना है एक लिमिटेड वर्ड्स में उसके लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ता है शब्दों को कम करना पड़ता है सारा कंसेप्ट को काफी बार समराइज करना पड़ता है, है ना उसके लिए बेसिकली बुद्धि लगाना पड़ता है नाम है हालांकि ओपन बुक असेसमेंट सारा बुक आपके सामने है सारा कुछ ओपन है पर बुद्धि किसमें लग रहा है कैसे उसको कंसाइजली कैसे उसको कम से कम शब्दों में प्रेजेंट करे समझ रहे ना मेरे पास अभी है नहीं तो मैं तो पूछ के दिखा सकता हूँ ठीक है क्लियर तो देखो अभी आज क्या डेट है सेकंड फिर अगला संडे शायद हम लोग मिल नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा प्रोग्राम है दिन भर प्रोग्राम है प्रसाद महाराज का उसके अगले संडे हम क्लास करने वाले हैं तो हम कब का लास्ट डेट रखे तीस जून तीस जून अरे दो ही तो तुमको लिखना यार क्वेश्चन के आंसर तुम इतना रो रहे हो अच्छा ऐसा नहीं है इतना दो नहीं है वन ऑफ टू नहीं लिखा है पे पे कोई कोई जगह होता है राइट आउट ऑफ द फोर क्वेश्चन राइट डू क्वेश्चन बट इसमें सिर्फ दो ही है तो दो ही है सारा पर्सनल एप्लीकेशन वाला है इसमें कुछ तो अच्छा ना सोचेंगे ना आप तीन हफ्ते सोचने के लिए जीपीडी मत लिखी है अगर पकड़े गए तो आपका आपका भक्ति शास्त्र से बैन हो जाएंगे आप ठीक है ओके कोई इसमें शक ओरल होगा आपका टेक्स वन टू फोर जो आपको मैंने करवाया इतने बार हाँ वन टू फोर श्लोक और ट्रांसलेशन फिफ्टी परसेंट मार्क्स फॉर श्लोका फिफ्टी परसेंट मार्क्स फॉर ट्रांसलेशन रैली हाँ? really? तो ठीक है फिर मैं तो आपको कंसीजन दे रहा था मुझे पता नहीं था yeah. उससे क्या होगा ओके okay, चलो ठीक है लेट्स बिगिन तीस तारीख थर्टी जून देखो आपको इकतीस दिसंबर भी देंगे ना डेट तभी भी आप तीस दिसंबर को लिखना चालू करोगे तो इसलिए बेटर आप तीस जून रखेंगे तो आप उन्तीस जून को चालू करोगे एटलीस्ट लिखना ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू हरी बोल तो हमारे जर्नी कहां तक तो हो गया हम देख रहे हैं अभी टेक्स फोर हमारा हो गया तो स्टिल वी आर इन साधना भक्ति वैदी साधना अभी भी है हम लोग बाद में फिर रागानों का साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति वो आगे के स्टेजेस हैं तो अभी हमने ये स्टेज में हम लोग चौथा श्लोक हो गया हमारा <laughs> अब ये श्लोक जब पढ़ेंगे आप खड़े खड़े हो जाएंगे ठीक है टेक्स्ट फाइव कृष्णेति कृष्णेति यस्य गिरितम मनसेन्द्रियेत बोलिए दीक्षा चेत प्रणत प्रणति भज भजता ईशम दीक्षा चेत परणति भिश्च भजत भजनतम ईशम शुशुशया भजनम विजिनम अनन्यमान्य शुशुशया भजनम विजिनम अनन्यमान्य निन्दादि शून्यृदमिप्सित संगलभ्या निन्दादि शून्यृदं इप्सित संगलभ्त्वा तो ये श्लोक आपको लर्न करके बोलना है जहां पे और टंग ट्विस्टर है बहुत है ना नहीं मुझे बोला गया ना अभी कौस्तुभवा के बोले कि फिफ्थ भी है आपको नहीं मैं बोला लेकिन कौस्तुपू बोल रहे हैं कि टेक्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड इलेवन ठीक है फाइन फाइन कृष्ण कृष्ण गिरीत मन से दीक्षास्ति चेत प्रणतिश भजन तम ईशम शुशुशय भजन विजिनम अनन्य अन्य निंदा दि शून्य रदम कोई ट्राई करना चाहे ेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दिक्ष्णेति यस्य गिरितं मनसे दीक्षेति चेत् प्रणतिंश्च भजन्तम् ईशं दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनम् विजनम् अनन्यम् निष्दुष्टया भजनं विजिनं मनन्य अन्यं निन्दादि शून्य रिदं इप्सित संगलभ्या निन्दादि शून्य इप्सित संगलभ्या इसमें आई थिंक सो वन वर्ड ऑल ऑफ अस वी कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड इज अन्य निन्दादि शून्यम दिख रहा है वो अन्य ऊपर है और निंदा शून्य नीचे है निन्दादि तो ये सारे गुण हैं इस चर्चा आएंगी तो अन्य निन्दा आदि शून्य मतलब अन्य मतलब बाकियों का अन्यों का निंदा निंदा मतलब या फिर गॉसिप करना है ना अन्य अन्य निंदा आदि शून्य मतलब जब व्यक्ति दूसरों का निंदा करना शून्य करता है तो उसके बारे यहाँ पे चर्चा आएगा आगे चल के सो लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस का One One should should mentally honor the 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 devotee devotee who who chants the holy name of Lord Krishna. offer humble obeisances to has undergone spiritual initiation दीक्षा <laughs> ये दूसरों के लिए नहीं हमारे लिए है, है ना ऐसे नहीं मारे तू ने मेरे को प्रणाम नहीं किया उसके लिए नहीं है हमको प्रणाम करना है दूसरों को and is engaged in worshiping the deity and one should associate with the faith with and faithfully serve that pure devotee whose advanced in undev undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of propensity to criticize others अब इसमें देखेंगे ना तो जहाँ दिशा का बात आता है तो दिशा के multiple meanings आते हैं एक जो दिशा के अंदर हमको पता है वो क्या है first initiation पर वैदिक स्क्रिप्चर के हिसाब से दीक्षा तभी कंप्लीट होती है जब व्यक्ति को मंत्र मिलता है सो द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग मंत्रा फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर विच विल हेल्प एंड व्हाट एंगेज इन वर्शिपिंग डी डीटी लिखा है वहां है ना दैट हाँ दैट्स एक्चुअली दैट्स अ कंप्लीशन ऑफ दीक्षा प्रोसीजर बेसिकली बोल सकते हैं आप है ना इस तरह से यहाँ पे चर्चा भक्तिर ठाकुर ने इसके ऊपर बहुत एक सुंदर एक गीत लिखा है वो हम गा के देखेंगे दीक्षित हरि हे संग दोष शून्य दीक्षाता दीक्षित यदि तव नाम मानसे आदर करीबता हे जानि ज जनताय मानसे आदर करी बाहारे जनि जनथाय दीक्षित हैया भजतु या पद तहारे प्रणति करी दक्षित भज पद तहारे प्रणके अन्य भजने विज नए जान तह से बहरी अन्य भजनेज्ञ जना तार सेवी बहरी सर्वभूते सम ये भक्ते रमति ताहर दर्शने मानी आपना के धन्या से संग पाईया चरिता हिलो जानी निष्कपटमति वैष्णवेर प्रति ये धर्म बे पाप कबे संसार सिंधु पार तब व्रजपुर या कबे संसार सिंधु पार तव पूरे या हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे Rama राम राम हरे हरे वेरी नाइस सॉन्ग ना वेरी नाइस मीनिंग इफ यू सी द लास्ट श्लोक एस्पेसिफिकली निष्कपटमति वैष्णवेरा प्रति इफ वी हैव निष्कपटमति टूवर्स डिवोटिस देन एक्चुअली व्हाट विल हappen बाय दैट कबे ये संसारा सिंधु पारहा या तवा व्रज्य पूरो या बा इफ यू वांट अचीव द व्रज्य भक्ति देन दिस म Be they initiated or yet to be initiated. See, Bhakti Yunod Thakur is going one step ahead and saying, If those who are free from bad association, be they initiated or yet to be initiated, sing your name, I will honor them within my heart, knowing them to be your own. Sangha dosha sunya diksha, dikshita, a dikshita. That word, if you see the big word there. दीक्षित अदीक्षित बोलता देर सो so आई दर दीक्षित अदीक्षित यदि तव नाम गाय इफ दे गो इफ दे गो टू चैंट योर होली नेम्स मानस से आदर करीबे ताहर देन व्हाट आई विल डू मानस माइंड से मैं ये सब लोगों का आदर करूंगा क्यों करूंगा जानी निज जनताय ये सारे आपके लोग हैं आपके लोग क्यों है बिकॉज दे चैंटिंग द होली नेम्स आप समझे भक्ति क्या बोल रहे है मैं ऐसे भले वो इनिशिएटेड हो नॉन इनिशिएटेड हो मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करूंगा जो व्यक्ति मन, मन से प्रणाम करूंगा उसका क्या है जो आपका नाम गा रहा है है ना आगे आई विल ऑफर टू ओबेशन बिन इनिशियटेड एंड सर्व फीट पहले इसमें क्या था दीक्षित अधिक्षित वो जब कर रहा है भगवान का नाम है, ऐसे होते क्या कर रहा है कम से कम मन से प्रणाम कर रहा है आगे देखते हैं सेकंड में आई विल ऑफर ओबेशन टू एनी वन हुज बीन इनिशियटेड एंड सर्व योर फीट एंड आई विल सर्व एनी वन हु एक्सपर्ट इन एक्सक्लूसिव भजन ओ हरी दीक्षित हैया भजे तुआ पद ताहारे प्रणति करी इफ समन इज इनिशियटेड एंड इज सर्विंग द लॉर्ड सो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं प्रणति करूंगा प्रणाम करूंगा नमस्कार करूंगा ऐसे व्यक्ति को और जो व्यक्ति अनन्य भजन में लगा है अनन्य भजन मतलब क्या और अनन्य भजन एक्सक्लूसिवली भगवान का मतलब उसको दूसरा कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ उसका अट्रैक्शन है ही नहीं इस व्यक्ति का क्या है उसका अट्रैक्शन बस अनन्य भजन आन, अनन्य भजन विज्ञय जन जो व्यक्ति को सिर्फ अनन्य भजन ही पता है ताहार सेवे हरि ऐसे व्यक्ति को अगर मैं सेवा करूंगा तो उस सेवा करने से एक्चुअली भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हो जाएंगे टेक्स्ट 3

इसमें समान दृष्टि के बारे में चर्चा आती है कैसे स्टार्ट होता है वो हो? स्टार्ट कैसे होता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनिच पंडिता समर्शन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है विद्या विनय संपन्ने मतलब क्या या ऐसे बोल सकते हैं विद्या की विद्या की संपन्नता कब होती है जब व्यक्ति में विनय आता है जब व्यक्ति में ह्यूमिलिटी होती है नॉलेज के साथ वो आपके विद्या की संपन्नता है काफी बार ऐसा हो सकता है कि हमारे बहुत विद्या है लेकिन हमको प्राउड बिकम प्राउड करेक्ट ना वी समाइमिटी एग्जाम्पल ऑफ रोमर्शन सूत Balramji killed a raw Martian for only one reason. What was the reason? Basically, he did not he did not get up when Supreme Lord has come. That means he has become so proud. So Balramji said, "You're sitting there and giving a discourse on Bhagavatam is like an actor playing his role in a drama. That's why you're supposed to be killed, and that's why see very interesting. Balramji did not use any any you know kind of a, a, a sword. और यू नो ट्राइडेंट और और यू नो दैट क्या बोलते मेज गदा ही जस्ट यूज्ड तिनका सी हम बोलते हैं भी सुनी चे ना तो तिनका या फिर आपके जो बेड ऑफ ग्रास इट इंडिकेट्स सिग्निफाइज ह्यूमिनिटी तो बलराम जी ने बोला भाई सबसे जो ह्यूमिनिटी को सिग्निफाई करता है उसी को लेके उसको ही एम्पावर करके उसको मार दिया इसलिए विद्या विनय संपन्न है तो विद्या विनय संपन्न उसकी संपन्नता क्या होती है विद्या की और एक तो होती है ब्राह्मण गवि हस्तिनी स्वपाच ये सब में कॉमन क्या फैक्टर है फिर आत्मा है दैट इज एक्चुअली रियल नॉलेज वो आपके ज्ञान की संपन्नता है तो सर्वभूत समय ये भक्तेर मती ताहार दर्शन मानी तो ऐसा व्यक्ति का मेरे को दर्शन मिलेगा तो मैं मेरा जीवन धन्य से संग चरितार्थ जानी बस मैं समझ मैं पूरा सकस... और मैं हो गया। या प्राप्त करके, इस इस तरह का अगला क्या है ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड एंटर योर अबोर्ड ऑफ वर्जा निष्कपटमति वैष्णव प्रति जो निष्कपट वैष्णव है इनके प्रति मैं कब आदर भावना में को आएगी यही धर्म कबे पाब कबे ये संसार सिंधु पार है कब ये मेरा संसार का सिंधु पार हो जाएगा है ना और पार करके मुझे क्या प्राप्त करना है तब व्रज पूरे याब मुझे व्रज भक्ति आपको जो टॉप मोस्ट यो सर्विस इसलिए दिस इस यूनिक फीचर ऑफ गौड़ी वैष्णव पर गौड़ी वैष्णव सेटल विथ एनी थिंग्रजभक्ति गौड़ी वैष्णव के लिए सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है व्रजभक्ति मतलब क्या वॉट इज व्रजभक्ति वो भी जैसे जैसे द्वारका देश कृष्ण है है ना फिर चतुर्भुज विष्णु है और फिर कृष्ण के अनेक अनेक का अवतार है नरसिम्हा वराह कूर्म तो गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के हिसाब से ये सारों के तरफ भी गौड़ी वैष्णव जो होते हैं जल्दी आकर्षित नहीं होते अगर आप भक्तिनो ठाकुर की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे नरसिंह देख के जो की थी उन्होंने उसमें नरसिंह से एक ही चीज मांग रहे हो मुझे कृष्ण भक्ति दे, दे दीजिए मुझे शुद्ध भक्ति दे दीजिए मुझे भक्ति दीजिए इसका मतलब क्या है भले ही हम अलग अलग अवतारों के पास भी जाएंगे उनको प्रणाम करेंगे उनको प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना क्या होनी चाहिए गौड़ी वैष्णव के लिए कि प्लीज ऑफर मी गिव मी भक्ति

हमने एक श्लोका सुना होगा कि सर्वधर्मांतरित जय मामेकम शरण उसी के लाइन में एक श्लोका है कि पादम ग पादम एकम न गच्छति जो कृष्ण होते हैं ना वो वृंदावन से एक पैर बाहर नहीं निकलते पर जब कृष्ण बलराम को अक्रूर लेके जा रहे थे मथुरा तब एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि दोनों एक्सचेंज हो गए मतलब जो कृष्ण जब वजय कृष्ण थे वो वृंदावन में रह गए जो कृष्ण के विस्तार थे वासुदेव कृष्ण वो कहाँ चले गए मथुरा चले गए थोड़ा है लेकिन हमारा फिलोसफी है जानना जरूरी है इसको इतना समझिए हमको वृंदावन के कृष्ण के प्रति आकर्षण करना है ये यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ भक्ति ठाकुर बोल रहे ठीक है क्लियर हाँ तो जब लेके द्वारका कृष्ण को देखा उन्होंने वो थोड़े डर गए उनको लगा ये कौन कृष्ण है ये तो हमारे कृष्ण नहीं है जब कृष्ण को देखा उन्होंने पूरे वो पूरे अटायर में देखा द्वारकाधीश वाले तब उनको लगा ये कोई तो अलग ही है पर बाद में फिर कृष्ण को अलग से मिले गोपियों को हाँ।, हाँ अब देखेंगे जैसे लीलाती गोपी जब लोग गए थे एक बार जब कृष्ण ने क्या चतुर्भुज रूप ले लिया वही कृष्ण उन्होंने चतुर्भुज ले लिया तो अरे चतुर्भुज नारायण है सब प्रणाम कर दिया गोपियों को अरे चतुर्भुज नारायण आगे वो उनको पूछते आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या ये तो गोपिया आगे चलेगी ढूंढे ढूंढे फिर पीछे से राधारणी आई और जब राष्ट्रपति राधारणी आने के बाद जब उन्होंने पूछा कृष्ण को कि क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है तब कृष्ण अपना रूप मेंटेन नहीं कर पाए उनके दो आर्म्स जो थे एक्स्ट्रा वो ये हो गए तो इसलिए ऐसे डीटी है वृंदावन में एक जगह पे जहाँ पे द्विभुज विष्णु की है लेकिन वो द्विभुज रूप में आ गए उसमें दो आर्म्स उनके चले गए दिखाए वहां पर लीला हुआ था वो देखो गीता में भी जब कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन कितना कांपने लग गए फिर चतुर्भुज रूप है तभी वो उनको लग रहा था अरे ये तो मेरे भगवान है ये तो ऐसा है वैसे ईश्वर है परमात्मा है जगन्नाथ है ये है वो है ऐसे बोलने लग गए पर जब कृष्ण ने देखा कि अरे मेरे भक्त का जो भाव है बदल गया है जो फ्लेवर है ना जो चार रस हम बोलते हैं भक्तों और भगवान के बीच वो फ्लेवर थोड़ा उसमें भेद आ गया भेद आ गया मतलब थोड़ा सा अलग हो गया तो तुरंत भगवान ने क्या कर दिया इसलिए अर्जुन भी प्रार्थना करते हैं भगवान कृपा करके आपका सौम्य रूप दिखाइए द्विभुज वाला जब कृष्ण नॉर्मल हो जाते हैं तो अर्जुन फिर नॉर्मल हो जाते हैं ये सारे इसके प्रमाण है कैसे सब जगह हम देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअली द्विभूज कृष्ण जो वृंदावन कृष्ण है उन्हीं को ही सारे लोग खासकर कर गौड़ी वैष्णव परंपरा में उनको ही माना जाता है तो भले ही हम नरसिंह देव से प्रार्थना करेंगे पर नरसिंह से प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि हमको शुद्ध भक्ति कृष्ण के लिए प्रदान कीजिए गोपी जो कात्यानी का व्रत क्यों करती है वो डेमी गौड़े है हम डेमी गॉड डेमीगौड़ नहीं करते हैं और वो कात्यानी का व्रत इसी के लिए इसीलिए करती है कि वी वॉन्ट कृष्ण एज एन हजबेंड वो इनका प्रार्थना है वहां पे ठीक है फाइव मिनट्स के बाद हाँ सी इट इज एटलीस्ट एटलीस्ट इज देयर उसके लिए ऑस्पिशियस है इट डजन इट्स नॉट एनकरेजिंग यू टू डू डेमेगॉड वर्शिप यू आर डूइंग डेमेगॉड वर्शिप फॉर अचीविंग कृष्णा दैट्स डिफरेंट थिंग अब देखेंगे जो अलग अलग जो बड़े बड़े राजा भी थे वो काफी बार बड़े बड़े यज्ञ करते थे उसमें विश्वरूप का आहुति देते थे, थे या फिर इवन का आहुति देते थे, थे वो लोग थॉट था, था अरे क्योंकि इंद्र क्या है भगवान कृष्ण का फॉर हैग्जाम्पल मुख है तो विश्वरूप जो है भगवान का उसके मुख को मैं आहुति दे रहा हूँ इन शॉर्ट भगवान को ही दे रहा हूँ बट इमीजिएट बेसिस पे इंद्र है दैट वर्शिप इज नॉट गिविंग एस एन अट्रैक्शन और हम इंद्र का भक्ति के लिए वर्शिप नहीं कर रहे हो इंद्र को इंद्र को प्लीज करने के लिए वर्षिप नहीं कर रहे और पर्पज ऑफ वर्शिप टू एक्चुअली प्लीज कृष्णा थ्रू हिज एजेंसी उसमें बट यू डू डायरेक्ट बेस्ट ऐसा सी एक चीज देखो समझो महाभारत जो ग्रंथ है तो उसका इट्स इोर ऑफ मिक्स मैं ये नहीं बोल रहा कि पांडव मिक्स ड्यूटीज़ है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं पांडव का शुद्ध भक्त है वो पर वो भी एक अपना लौकिक धर्म को पालन कर रहे हैं टू फॉलो दैट लौकिक धर्म एट टाइम्स तो इसलिए काफी बार कुछ सेट करने के लिए नहीं तो बाकी लोग जो फेथलेस है या फिर कम फेथ वाले हैं उनका फेथ भी चला जाएगा उसके लिए दे सम टाइम हैव टू डू समथिंग लाइक दिस लाइक थोड़ा सा लोकल आपका जैसा ग्राम ग्राम में कुछ होता है एक एक जगह कुछ प्रथा होती है वो करते हैं वो लोग उस तरह से लोकल प्रथा लोकल कस्टम्स ओके लेट्स सी व्हाट भक्ति ठाकुर सेज ऑन दिस भक्ति करना चाहिए मतलब नेता है कि नहीं करना चाहिए मतलब ये कलियुग का अवतार तो गौर नेता है ना तो ज्यादा ये मतलब आज तक तो यही सुना है कि ऐसा प्रश्न ना कभी आया है ना कभी आएगा पर ये आया है तो हम बोलते हैं सी जब आप कृष्ण की वर्षिप कर रहे हैं तो उसके लिए हम बोले बोल रहे हैं आपको तो गौर निताए जो है चैतन्य महाप्रभु कौन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य ना तो फिर वो वो ब्रज आपने क्या बोलो ब्रज के कृष्ण हाँ बाल की खाल मत निकालो नंबर एक दूसरा दूसरा सुनिए लेट मी कंप्लीट सी मैंने जो बोला वो किस कॉन्टेक्स में बोला समझिए आप ऐसा है कि काफी बार लोग देखो हम हम ना सही गौरव सही कृष्णा से, से, से जगन्नाथ तो इन दैट सेंस देखा जाए तो तीनों सेम है कोई फर्क नहीं तीनों में ऐसा तो फिर हम लोग फिर जगन्नाथ क्यों लाए जगन्नाथ इज कृष्ण हिमसेल्फ वो वही कृष्ण है गोपियों का सारा अवस्था था क्योंकि ऐसी हालत हो गई कृष्ण की जगन्नाथ कौन है फिर वृंदावन कृष्ण ही है वो उनको देखा गोपिया मेरे लिए इतने पागल है और मैं इनको कुछ रिश्वत नहीं कर पा रहा हूँ ये देख देख के देख देख के उनका बॉडी मेल्ट हो गया आंखें बड़ी हो गई इट्स अबाउट वृंदावन अरे मैं वही बोल रहा हूँ थिंग्स इतने इंटरकनेक्टेड चीजें ना सारे कि आपको उसको सेट अलग से करना मुश्किल है कहीं पे भी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जब चतुर्भु अभी कृष्ण ने चतुर्भुज विष्णु का रूप ले लिया कैसे के ले लिया दोनों अलग है तो कृष्ण एक कौन है अवतारी है सारे अवतार कृष्ण से आते हैं तो कृष्ण कैन एनी वे एनी टाइम एक्सपॉय एनी ऑफ दिस अवतार बट तो ऐसे आपने सुना होगा वो लीला जब एक बार कृष्ण के जो गुरु थे उनके जो बच्चे चोरी कर लिए थे महाविष्णु ने क्यों किए थे उनको कृष्ण का दर्शन लेना था इसलिए क्यों एक ही तो है ना एक ही तो है तत्व एक ही है ना तो महाविष्णु क्यों देखना है इनको कृष्ण को वैसा देखा जाता <laughs> 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 अलग नहीं है पर अलग भी है विष्णु का जो मेन रोल है दैट्स मेंटेनेंस कृष्णा मेंटेनेंस नहीं करते हैं ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं विष्णु मेंटेन करते हैं शिवजी एनिलेशन करते हैं कृष्णा फ्लूट बजा के अपने अपने सारे गोपो के साथ गोपी के साथ मजा करते हैं दैट इज कृष्णा कंफ्यूज हो रहे क्या आप लोग आप आप बोलोगे कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की भक्ति करना चाहिए करेक्ट इसका मतलब यह है कि इसका ये मतलब कर... ये नहीं है कि हमको को बाकी करना चाहिए बाकियों को अरे नरसिंहदेव कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कुछ समय के बाद उनको लगता है कि, अरे वैकुंठा मतलब क्या ये तो ऐसा मतलब वो अपर डेपो के साइड वाला बस स्टॉप है ऐसा करके लोग वैकुंठा नहीं जाने का हमको गोलो की जाने का वो साइड में लोग चले जाते हैं काफी बार मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि सारे जो भगवान भगवान विष्णु है कृष्ण है उनके सारे अवतार है एक्सपांशन से सारे तो एक्सपांशन का भक्ति करने से अच्छा है उनको डायरेक्ट जो उसका सोर्स है स्त्रोत है कृष्ण जो है उनका उनका भक्ति करना चाहिए और जैसे मैंने बोला कि कृष्ण जो है वृंदावन के बाहर एक कदम नहीं निकालते ये कृष्ण का खुद का पॉलिसी है खुद के लिए तो फिर आप बोलेंगे जो, जो, जो मथुरा या फिर जो मथुरा गए या फिर जो द्वारका वो कौन है वो कृष्ण ही है पर वो कौन से कृष्ण है वो वासुदेव कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु भी आप बोल रहे वासुदेव कृष्ण है चैतन्य चे, महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है हाँ। जो राधा रानी का मूड लेके आए हैं तो, हमको दिखाने के लिए कि हमको कैसे भक्ति करना, करना है पांच हजार साल पर जब कृष्ण स्वयं आए थे उन्होंने देखा कि मैंने सब किया धर्म स्थापन किया पर लोगों को पता नहीं कैसे फॉलो करना है तो उनका एग्जाम्पल दिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधाराणी का कांति लेके कलयुग में आए है। सो ही इज़ so, हैजेंद्र कृष्ण ओनली चैतन्य महाप्रभु इज व्रजेंद्र कृष्ण ओनली विद चैतन्य चैतन महाप्रभु और कृष्ण अभी वृंदावन के कृष्ण तो हा? इन दोनों का भक्ति का ये अलग है क्या या अलग एक नहीं ही है? है एक ही है अगर आप चैतन्य महाप्रु का का जब वर्शिप करोगे तो यू ऑल्सो तो गो टू गोलोक वृंदावन चैतन्य महाप्रभु का प्लस पॉइंट क्या है उन्होंने जो कृष्ण ने इतना काफी मुश्किल करके रखा था कृष्ण बोलते थे ये यथाम प्रबद्यं थे तुम इतना करो मैं तुमको इतना करूंगा वैसा कृष्ण का डील होता था पर महाप्रु क्या बल क्योंकि उनका राधा रानी का उनका एक ये है भाव है तो कंपेशन भी ज्यादा है उनका वो बोलेंगे मैं मैं आपको प्रणाम करता दो आपके सामने झुकता हूँ लेकिन प्लीज अब कृष्ण का नाम लो चैत्र चैत्र महाप्र है कृष्ण प्लीज नहीं बोलते कभी चैतनपुर प्लीज बोलते हैं है। ahead, बढ़ते आता है। का और ज्यादा बलराम जी का जो था हालांकि इधर बलराम जी जब थे कोई जस्ट उठाने कोई व्यक्ति उसको उन्हें मार दिया और यहाँ पे नित्यानपुर के लीला में किसने सर फोड़ दिया फिर भी उसको माफ करो करके बोल रहे कितना डिफरेंस है देखो कम्पैशन इसलिए एक लीला है ना जिसमें अः कौन थे वो आ। हाँ लादिनी माता जी परोपाजी के जी की शिष्य थी तो उनको काफी बार इनको ड्रीम आते थे वो देखते थे कृष्ण बलराम है और गौर नेताई है दोनों झगड़ा कर रहे आपस में है ना तो उसमें कृष्ण बलराम बोलते कि अरे ये भोग हमारा है तुम कैसे ले रहे हो गौरता बोलते तुम्हारा युग खत्म हो गया तुम चले जाओ अभी ये हमारा युग है युग में हम लोग यहाँ पे हैं तुम्हारा यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारा कोई महत्व नहीं है तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ माता दीजिएगा कि मैं पॉइंट है कि ये जो युग है वो उसमें ज़्यादा कम्पैशन ज़्यादा इसका जरूरत है हम लोग भी ज़्यादा पतित है इसीलिए तो इसलिए जो नित्यान रूप और चेतन महापुर के बिना कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा लिटरल इम्पॉसिबल है वो क्यों इम्पॉसिबल है क्योंकि डाइवर्जन बहुत सारे हैं आप डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओ अगर आप विद इफ यू गो टू कृष्ण विदाउट चैतन्य महाप्रभु नित्यान प्रभु इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव कृष्ण अब देखो कंपेसन के जैसे हम जब जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हैं प्रभु नित्यानंद जब से पहले क्यों कहा जाता है क्योंकि ऐसा बोला कि ये एक ही ऐसा महामंत्र है उसको भी महामंत्र महामंत्र बोला जाता है पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं उसको क्यों देर नो दिस मंत्र नो ऑफेंसिस ऑल टूगेदर बाकी सब जगह पे आप ऑफेंस कर सकते हो लेकिन यहाँ पे क्योंकि चेत्रपू इतने कंपेशन है कि इसलिए यहाँ पे देर आर नो ऑफेंसेस अदरवाइज हमारा होप क्या है बोलो प्रोपा जी ने सबसे पहले किसको स्थापित किया नेता को स्थापित किया वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि पता था जैसे एक बार प्रोपा जी कहा तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं तो डीटी इंस्टॉलेशन किए और वहां पर डीटी टी प्रार्थना किया कि माय डियर लॉर्ड दीज आर ऑल मले एंड वर्शिप यू और प्रपाद ने सबको इनिशिएशन दिया था ब्राह्मण इनिशिएशन कब दिया था एक दिन पहले कुछ दिनों पहले फर्स्ट इनिशिएशन हुआ था एक दिन पहले सेकंड इनिशिएशन हुआ था उनके हाथ में सौंप के चले गए गौरताई तो को प्रपात तो प्रपात को इमरजेंसी था प्रचार बहुत करना था पूरा दुनिया पड़ा था अकेले व्यक्ति थे तो इसलिए गौर नेताई का जो कृपा है वो हमारा सबसे बड़ा हमारे लिए वही एक होप है गौर गौरताई की कृपा चैतन्य माप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अजेंद्र कृष्णा

सारे विष्णु तत्व का एक ही बीज अक्षर होता है मंत्र जो होता है ना सारे विष्णु तत्व का एक होता है उसमें डिफरेंस ही है राधा कृष्ण का अलग होता है कृष्ण का अलग होता है रानी का अलग होता है चेतन का अलग होता है बेसिक प्रिंसिपलो में सेम ही होता है आप समझ रहे हैं? मैं क्या बोलूँ तो काफी बार ऐसा हैं वृंदा तुलसीदेवे प्रिया ये भक्ति देवी, सत्यवते नमो नम सही है गलत है कृष्ण कृष्ण भक्ति भक्ति सी टेक्निकली जो जो ओरिजिनल में विष्णु भक्ति लिखा गया काफी भक्त लोग उसको चेंज कर करते कृष्ण भक्ति बोलते हैं वो सही नहीं है तो विष्णु भक्ति तो विष्णु भक्ति कहाँ गया सी हमारा विष्णु और कृष्ण में झगड़ा नहीं है झगड़ा दोनों में नहीं है पर मैं जस्ट बोल रहा हूं कि इट इज जस्ट अ लेवल अलग अलग लेवल्स है विष्णु मतलब क्या है विष्णु मतलब महाविष्णु भी है गर्भोदक्षा विष्णु भी है कारणो विष्णु भी है शुरुदक्षा विष्णु भी है और जैसे हमने आपने सुना होगा ना फर्स्ट कैंटो में आता है ये ते चलाप चक, शाम ये ते चम चलाप उमशाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे ये सब क्या है विष्णु क्या है बेसिक कला है एक्सपांशन है कृष्ण का कला या फिर ये च पुमसा तो ये पुरुष है पुरुष अवतार है ये सब भगवान की कला या फिर एक्सपांशंस है तो विष्णु या कृष्ण के एक्सपांशंस है तो जब प्रोपाद हालांकि अलग जगह विष्णु भी लिखते होंगे बट एक्चुअली हमारे उसके मीनिंग कृष्ण ही है तो रूपा बोलते थे ना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर विष्णु कॉन्शियसनेस पे नहीं काफी बार क्या होता है ना श्लोकों में जैसे ये श्लोक आपको मैंने बोल के दिखाया वृंदा या तुलसीदेव वाला तो उसमें विष्णु भक्ति लिखा है ना तो एक्चुअली फॉर अस द मीनिंग इज कृष्ण भक्ति पर उसका बोलते हुए बोल रहे कि विष्णु भक्ति फर्क कुछ नहीं है देर नो डिफरेंस विष्णु कृष्ण भी एक लेवल पे देखा तो विष्णु तत्व है प्रिंसिपली पर ये सारे विष्णुत्व तत्व कौन है कि ये कृष्ण से एक्सपेंशन आए हुए हैं कृष्ण से सारे सारे अवतार है हाँ नहीं एटलीस्ट दैट वर्षमिक विष्णु एटलीस्ट दैट्स बेटर तो उसको एनकरेज करना है कि वो ठीक है आप विष्णु कर रहे कर हैं करिए विष्णु उसमें झगड़ते मत बैठो कि अरे वहां विष्णु नहीं कृष्णा कृष्णा नहीं विष्णु लोग बोलते ना काफी लोग झगड़ा किस पे करते पहले हरे राम आना चाहिए हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे क्रिण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे ठीक है पहले हरे राम बोलो या फिर पहले हरे कृष्ण बोलो लेकिन कुछ तो बोलो वो इंपॉर्टेंट क्या है उसमें बोलो तो सही एटलीस्ट पहले राम बोलो पहले कृष्ण बोलो डेट डजेंट मैटर आइडल पे खींचना तब पसी होगा जब उसका फेथ होगा जैसे देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं आप लोग इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा भी वो विष्णु कृष्ण को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा ये हो रहा है सोचो उसको खींचेंगे तो उसका उसका बेसिक फेथ भी चला जाएगा ना कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं आप लोगों का फेर डिस्टर्ब मत करो कोई डेवीगॉर्ड वर्शिप कर रहा है ना उसको एटलीस्ट आप कंटिन्यू कर कुछ समय तक धीरे धीरे उसको नॉलेज दो धीरे धीरे करके उसको ऊपर बढ़ाओ अगर डेवीगॉर्ड के बारे में कृष्ण ये बोल रहे हैं तो फिर विष्णु के लिए क्या प्रॉब्लम हमको एटलीस्ट वैष्णविज्म तो फॉलो कर रहा है वो कहीं तो लेट हिम लेट अस गिव हिम टाइम सम स्पेस बढ़ेगा वो भी ग्रो करेगा आगे बढ़ेगा समझ में आएगा से मैंने आप लोग को थोड़ा सा कृष्ण वाला कंसेप्ट बोल रहा हूँ तो धीरे एक समय पर उस समझेगा उसको देखो तो हम ही हमको ही थोड़ा सा इतना मुश्किल जा कंसेप्ट को समझना तो व्यक्ति को इतना मुश्किल जाएगा समझ रहे ना ठीक है लेट्स गो हेड भक्ति सदन ठाकुर क्या बोलते हैं

कृष्ण मय सब देखा सु, सुवैष्णव ये बा शत्रु मित्र सद सत किचु ना विचारे सर्वोत्तम संगबली बलि सेवा तहारे ता, बस सिंपल है ना शत्रु मित्र सत असत किचु ना विचारे ये ये डिल्यूजन में व्यक्ति पड़ा नहीं है ड्यूअलिटी में अटका नहीं है ऐसा व्यक्ति ऑफर सर्विस टू दोस्त हुआ एक्सपर्ट इन भजन

ओके okay, फोर में लिखा है लविंग एक्शंस कैसे होने चाहिए भक्तों के बीच में और और किसके साथ वो करनी चाहिए वो यहाँ पे आएगा है ना सो इम्पोर्टेंस ऑफ फोर टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएटिंग विद वैष्णव वो कैसे एसोसिएट करना चाहिए सिक्स लविंग एक्शन क्यों करना चाहिए देखा हमने और वर्ट काइंड ऑफ वैष्णव शुड बी सिलेक्टेड एज अ फ्रेंड हाउ वैष्णव शुडर्व्ड इसके बारे में टेक्स्ट नंबर फाइव में चर्चा आएगा और राइट right? एक बार हमें डिस्कस किया था मैंने कौन था शायद प्रथमेश वी हैव टू बी सिलेक्टिव अमंगस्ट डिओटीज वाएँ तो यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा हमको भक्तों के बीच में सिलेक्टिव क्यों रहना है उसके यहाँ पे उसको आंसर आपको मिलेगा सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिओट्टीज बताए अच्छा उससे पहले प्रोपा जी इसका तात्पर्य बहुत एक सटीक वाक्य चालू करते हैं प्रोपा लिखते तात्पर्य में इन ऑर्डर टू इंटेलिजेंटली अप्लाई द सिक्स फॉर दिक्कस मैं यूर प्रीवियस वर्स वन मस्ट सिलेक्ट प्रॉपर पर्सन विथ केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन परपोर्ट का पहला लाइन ही है आपके पुस्तक में पुस्तक तो नहीं लाया होगा ना आप लोगों ने वन मस्ट सिलेक्ट प्रॉपर पर्सन विद केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन बहुत क्लियरली प्रॉपर लिख रहे हैं आपको चूज है अच्छा मतलब अच्छा करना है आपको इन गोस्वा वे अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्टेटस इन वर्स इन दिस वर्स अस हाउ टू डील थ्री टाइप्स ऑफ डिवोटीज कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी वॉट इटेगरी थ्री टाइप्स ऑफ नियोफाइट नियोफाइट के तीन टाइप है हाँ बोल सकते हैं ऐसे कनिष्ठ के या फिर नियोफाइट के ही तीन सब टाइप्स है तो व्हाट इज पहला है उसमें से प्राकृत सहजिया <laughs> तो हम देख सकते हैं हम कहां है दूसरों को जजमत कीजिए <laughs> तो फर्स्ट टाइप है, है प्राकृत सहजिया दूसरा साथ है दूसरा है प्राकृत भक्त तीसरा है हरिनाम भक्त ये तीन सब टाइप्स है न्यूफाइट्स के ठीक है तो व्हाट इज प्रकृत से सर्जिया ही चेंट्स हरे कृष्णा कैजुअली कैजुअली चेंट करता मतलब क्या मतलब घर बहुत कुछ करते करते जैसे जब भी कर रहा है बाकी भी चीजें हो रही है घूमते फिरते चलते फिरते सालता बोलता हां इज अटैच्ड टू वुमन मनी एंड इंटॉक्सिकेशन जब भी कर रहा है लेकिन इससे अटैचमेंट भी है सब चीजों के लिए हैज फेथ दैट कृष्णा इज गॉड सो फेथ फेत देखिए कृष्णा भगवान है है ना रिस्पेक्ट विद इन वंस माइंड ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए हमको क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जब ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माइंड में रिस्पेक्ट करना चाहिए बट डेट एसोसिएशन शुड बी अवॉइडेड ऐसे व्यक्ति का संग थोड़ा हमको दूर रखना चाहिए क्योंकि अभी हम शायद हमारा फेथ इतना नहीं होगा तो हम लोग अफेक्ट हो जाएंगे प्राकृत सहजिया दूसरा कैटेगरी है प्राकृत भक्त 16 हरे सेवा करता है गुरु महाराज तो गायब तो फिर वो भी गायब सो ओनली सब गुरु एंड कृष्णा भाई मैं बस कृष्ण को सेवा करूँगा बस दूसरा कोई नहीं बीच में कृष्ण और मैं और कोई नहीं पील्स ही और ही,

तो उसको काटना चाहिए तो एक चीज है पर मैं बोला हूँ कि उसको जब अब उसको थोड़ा अप्रिशिएट करोगे इनकरेज करोगे तो सब बाहर आएगा वो आगे देखेंगे और डिटेल में उसका रिस्पेक्ट तो करो कम से कम रिस्पेक्ट कर सकते हैं आप माइंड में उतना करो बस बाकी कुछ मत करो हरिनाम भक्त चैंड मिनिमम राउंड्स ऑफ डेली मिनिमम लिखा देखो फर्क है।, है? कम कम है मतलब ज्यादा भी कर रहा है थोड़ा है ना चार नियमों का पालन कर रहा है वैष्णव सेवा कर रहा है गुरु की सेवा कर रहा है कृष्ण की सेवा कर रहा है और ऐसा व्यक्ति जो होता है ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए मन बुद्धि और शरीर से मन मनसा काया वाचा इसको प्रणाम करना चाहिए फिजिकली प्रणाम करना चाहिए ऐसे हरे कृष्ण नहीं बोलना चाहिए प्रॉपर प्रणाम करना पंचांग प्रणाम करना चाहिए ऐसे भक्त इसको हरिम भक्त को प्राकृत सजैव क्या करना चाहिए दूर म, मन में रिस्पेक्ट करो दूर से प्रणाम दूर, दूर रखो थोड़ा प्राकृत भक्तों को क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए मन में प्रणाम करो बस अवॉइड मत करो प्रणाम करो प्राकृत भक्त प्राकृत भक्त मिडिल कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी हरिनाम भक्त के लिए क्या करना चाहिए उनको फिजिकली प्रणाम करना चाहिए है? है ना अभी प्राकृत भक्त और प्राकृत प्राकृत भक्त और हरिनाम भक्त में फर्क क्या है क्त वैष्णव की सेवा नहीं कर रहा है गुरु आ जाएंगे तो उनकी सेवा करेगा कृष्ण की सेवा करेगा लेकिन वैष्णव सेवा नहीं करेगा पर हरिम भक्त जो है वो किस क्या कर रहा है वो गुरु की भी सेवा कर रहा है वैष्णो की भी सेवा कर रहा है और ये जो हरिनाम भक्त होता है ये आगे चल के यह ये यहां से ट्रांसफर होता है मध्यम अधिकारी कैटेगरी में मतलब बेसिकली ये ये आपका प्रोग्रेशन है प्राकृत सहजिया से व्यक्ति अगर वो अच्छा उसका संग मिले तो प्राकृत भक्त बन सकता है वहां पे उसका अच्छा संग मिले हरिम भक्त बन सकता है हरिराम भक्त में उसका अच्छा संग मिलता है गाइडेंस मिलता है और प्रॉपरली भक्ति करता है वहां से वो मध्यमाधिकारी बनता है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिस करके व्यक्ति ट्रांजिशन होता है उसका उत्तम अधिकारी में तो दस डॉट मेक सेंस बोलिए प्लीज save मी फ्रॉम माया प्लीज save मी from माया raging माइ raging सेंसेस प्लीज लेट मी चैंड लॉर्ड एंगेज माई सेंसेस इन Your सर यहाँ पे देखो उसका सारा जो प्रार्थना है, वो किसके लिए है मेरे सेंसेस मेरा मन इसी पे अटका है उसमें क्या हो रहा है मतलब मेरा मन को कंट्रोल करो मेरे सेंस को कंट्रोल करो ऐसे सब हो रहा है और अब देखेंगे भक्ति ठाकुर का प्रार्थना है फिर बाकी आचार्य के प्रार्थना देखेंगे उसमें क्या देखते हैं हम लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रश्नता चाहते हैं मेरा मन कंट्रोल हो या ना हो पर आप प्रसन्न होइए आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ इट्स मोर ऑफ ये कैसा है बस मेरे मेरा जो माइंड सेंसेस को आप कंट्रोल करो मुझे मदद करो ये मेरे पे हावी हो रहे हैं मुझे ट्रबल कर रहे हैं मुझे उनसे बचाओ ये लेवल का इसका प्रार्थना है अभी ये सही है उसके लेवल से सही है जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा तब तो बोलेंगे आश्लिश्यवा जैसे कोई उत्तम अधिकारी बनता है आगे चल के तब वो वो लेवल पे आता है आप मुझे मुझे निगलेक्ट करो मुझे पास में लो आपको जो करना है करो मैं मैं फिर भी आप ही का हूं आई एम योर्स ये है उत्तम अधिकारी की प्रार्थना पर मध्यम मद्धि अधिकारी क्या करते हैं फिर मध्यम मद्धि अधिकारी फिर वो डिस, वो डिस्क्रिमिनेट करता है हम देखेंगे आगे चल के प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये चार चीज मध्यम मद्धि अधिकारी का है वो चार चीज करते हैं मध्यम मद्धि अधिकारी ठीक है क्लियर सो so, हरिराम भक्त हमने देखा मतलब क्या है हरिनाम भक्त का नाम क्या है मतलब क्या उसका कैटेगरी है हमने देखा कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम क्या हो गया वो कब आ सकता है जब वैष्णव सेवा छोड़ देगा और जब वो अपना उसका अटैचमेंट बढ़ेगा ये चार गलत चीजों के प्रति चार नियम को तोड़ना चालू करेगा नहीं देखिए हमको वही बोल रहा हो कि दिस इज नॉट फॉर टू जज अदर्स अगर आपको दिखता है कहीं पे भी दिस हो सकता है ना कोई व्यक्ति ने एक समय एकदम अच्छा जगह पे रहा होगा पर कुछ कारण उसका ये हो गया तो एटलीस्ट शुड रिस्पेक्ट हिम वो जब समय वो था तो एटलीस्ट यूर सो नाइस समझ रहे हैं ना क्या बोलो? कुछ कारण हो सकता है उसका पतन हो जाए कुछ कारण हो सकता है उसका अपने पोजिशन से नीचे आ जाए सो वी कैन देखो वी हे टू बी सिलेक्टिव काफी बार हो सकता है कि हम लोग वीक होते हैं वी आर वेलरेबल एट टाइम्स वेन यू आर वेलरेबल अगर हमको पता है मैं अफेक्ट हो जाऊंगा वो संग में तो मुझे अवॉइड करना चाहिए ना? Okay, आप लोग हैं यहाँ पे नहीं ये तो गलत है ना गाय भी तो ऐसी करती सब जगह खाती है जो है तो सब खाती है क्या नहीं इसीलिए कोर्स मैंने कॉन्टेक्स्ट में बोला चीज़ उसी के साथ देखेंगे ना कि इसलिए जब हम गाइडेंस में होते हैं प्रॉपरली तो तो दैट गाइडेंस हेल्प्स अस तो मुझे ये करना चाहिए नहीं कर। हम पूछते हैं ना हमारे काउंसलर से मेंटर से पूछते मुझे आपको क्या लगता है मैंने करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोलते हाँ करो नहीं करो जो भी करो सो अकॉर्डिंगली एटलीस्ट वी कैन फॉलो दैट दैट्स तो हरिनाम भक्त का ट्रांजेशन कब होता है मध्यमाधिकारी में रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं आपके लिखे आपके सामने जो पुस्तक है उसमें बट डोज न्यूफाइट डिवोटीज आर एक्चुअली इनिशिएटेड बाय द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर

दीक्षा हरिनाम राम ठीक है आगे चले तो ऐसा ये हो गया ट्रांजिशन हमने क्या देखा अभी तक प्राकृतिक सहजिया देखा उसके बाद क्या देखा प्राकृतिक भक्त देखा उसके बाद क्या देखा हरिनाम भक्त उसके बाद क्या आ गया मध्यम अधिकार ये उसके बीच का ये फेज आ गया ट्रांजिशन आ गया मध्यम हरिनाम भक्त से मध्यम अधिकारे कैसा होता है व्यक्ति का प्रोसेस क्या है यहां पे दिया गया ये दो स्टेटमेंट्स में ओके इट्स नॉट अबाउट इनिशिएशन इट्स अबाउट इन सर्विस इनिशिएशन एक प्रोसेस है पर इनिशिएशन हो सकता है काफी लोगों का इनिशिएशन नहीं हुआ है तो क्योंकि मध्यम अधिकार नहीं वो लोग तो हाँ मध्य मध्य होना वाला ऑल्टर वाला अलग चीज है ऑल्टर नहीं आने देते बिकॉज इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाता है शुद्धि पॉइंट ऑफ व्यू होता है अगर देखो ऑल्टर खोल देंगे ना सारा अपना पूरा कॉन्ग्रेशन आएगा छह हजार लोग आ जाएंगे पॉइंट ये है कि देर आर सर्टन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग ड्यूटी मुझे बोलो हरिनाम लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है कोई भी कर सकता है ना अल्टर में आने के लिए आपको एक शुद्धि चाहिए शुद्धि एक क्वालिफिकेशन चाहिए क्योंकि तो भगवान को वहां पे मोस्ट प्युरिस्ट फॉर्म में से, सेवा किया जा रहा है दिस प्यूरिटी सी प्यूरिटी वंस रिसीव्स सी वन बिकम्स एक्चुअली क्वालिफाइड एंड प्योर बाय चैंटिंग मंत्रा सेकंड इनिशिएशन गायत्री मंत्र तो जब गुरु महाराज और देवटी के कान में ये कान में जब गायत्री मंत्र दिया जाता है तो इसलिए जब आप देखें ना वॉशरूम जाते हो इसको ऐसा क्यों किया जाता है दिस इज ऑलवेज प्योर बिकॉज गुरु महाराज का वाणी इसमें है वो तो वाणी से भी इसका फिजिकल प्योरिटी से कोई संबंध नहीं है कोई तो व्यक्ति कान साफ नहीं है तो ऐसा नहीं कि जो सेकंड इशू का कान हमेशा साफ होता है हो सकता है कि इसका कान साफ ना हो मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा करूँ इट्स नॉट अबाउट फिजिकल प्योरिटी इट्स अबाउट स्पिरिचुअल प्योरिटी और स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन जो गुरु महाराज के मुख से व्यक्ति के उन्हें ग्रहण किया है और ग्रहण करते हुए अपने हृदय में गया है तो वो उसका क्वालिफिकेशन बनता है अंदर जाने के लिए ऑल्टर सेवा करने के लिए मंत्र हाँ या ना क्या नहीं समझा आपको क्या सेटिस्फेक्शन किसके काम सेटिस्फाइड नहीं है आप बोलिए तो है ना एक्चुअली सुनो से जो हमको जब हमारे सेमिनार होता है गायत्री का उसमें हमको चर्चा हो रहा था उन्हें क्या कंपेयर किया था देखिए जब हरे कृष्ण मंत्र जब करते ना तो हरे कृष्ण महामंत्र हमको प्रोग्रेस करके लेके आता है एक लेवल तक है ना अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ हमारा मन हमारे अनर्थ त्रिताप ये सारों कारण हमारा प्रोग्रेस कभी शिफ्ट होता फास्ट होता नहीं है तो मंत्र क्या करता है मंत्र हमको वहां से उठा के एक लेवल तक लेके आता है गायत्री मंत्र वो थोड़ा फास्ट पेस में व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन करता है ये सीक्रेट मंत्र है इट्स नॉट अ पब्लिक मंत्र है जैसे उसको गाते नहीं कभी बाहर के लोग गाते हैं बट दैट्स ऑफेंसिव वो गलत है वो मंत्रों को वही बोल रहा है कि वो मंत्रों को क्वालिफिकेशन बेस क्यों क्यों दिया जा रहा है क्योंकि इट इट इज लाइक अ सीक्रेट मंत्र सबसे पहले नंबर एक दूसरा वो गायत्री करने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण में एटलीस्ट जाना पड़ता है तो फिर हम लोग सत्वगुण में नहीं होते इसलिए हमको नींद आता है बार बार हाँ हरी हाँ। बोल <laughs> ओके okay, फिर हाँ ठीक है लेट्स दिस आगे शायद और हमको आंसर मिलेंगे आएंगे वापस बाद में क्लास के बाद मिलेंगे हम लोग इनिशिएशन पे ना बहुत सारे अलग अलग मत है तो मतों में हम नहीं जाएंगे कोई बोलता लेस लेना चाहिए कंपनी कोई बोलता नहीं लिया तो भी चलता है अलग अलग मत है उसमें को पढ़ना नहीं है आ. हाँ <स्याँग> <स्याँग> हाँ हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ठीक है मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी हैज रिसीव्ड स्पिरिचुअल इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एंड हैज बीन फुली एंगेज इन द बाय हिम इन द ट्रांसेंडेंटल सर लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड अ मध्यम इज अ डिवोटी हु वर्शिप सुप्रीम लॉर्ड एज द हाईएस्ट सब्जेक्ट ऑफ लव मेक्स मेक्स फ्रेंड्स विद लॉर्ड्स डिवोटीज प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा चार चीजें करते हैं मध्यम is is merciful to the ignorant and avoids those who are envious by nature. Now so let's see what उत्तम अधिकारी क्या हाँ बट जितना रिलेवेंट है उतना ही ले रहे ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हमारा कोर्स एक साल भर चलेगा ठीक है बढ़िया उत्तम अधिकारी and uttam Hatikari is not interested in blaspheming others his heart is completely clean and he has attained the realized state of unalloyed krishna consciousness his heart is completely clean madhikari heart mein koi blockages nahi hai? no blockages no anjali heart mein? okay continue out of many such vaishnavas one may be found to be very seriously engaged in the service of the lord

उनके जो संपर्क में आके कितने हजारों लोग भक्त बने हैं करेक्ट दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ उत्तम अधिकारी या फिर और एक चीज लिखते हैं कि जो व्यक्ति सारे नियमों का पालन कर रहा है सीरियसिंग इन सर्विस सर्थ ऑफ लॉर्ड स्ट्रिक्ट फॉलो ऑल एगे तो प्रिंसिपल चैंटिंग प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स ऑन जपा बीट्स ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हाउ टू एक्सपांड कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ऐसे व्यक्ति को हमको उत्तम अधिकारी करके एक्सेप्ट करना चाहिए ठीक है जो भी व्यक्ति आप देखेंगे ऐसा शिव कर रहा है दीस आर एक्चुअली क्वालिटीज दैट ओके ही इज एक्चुअली उत्तम अधिकारी सो लेट्स सी व्हाट इज इनिशिएशन व्हाट इज इनिशिएशन दीक्षा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण समर्पण सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम द टाइम इनिशिएशन वन ड्यूटी फुल्ली सेंटर्ड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्ट हिम टू बी एज गुड एज हिमसेल्फ मतलब इसका मतलब क्या है ओके लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्ट हिम एज गुड एज पर किस बेसिस पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है भगवान ने क्या बेसिस पे एक्सेप्ट किया है व्यक्ति को ओके okay. आत्मसर्व में एक एक पॉइंट है करेक्ट और आ? एज बहुत भगवान ने उसको खुद का मान लिया मेरा अपना ये व्यक्ति मेरा अपना हो गया ऐसा हाँ मेरा अपना हो गया खुद का मेरा तो दूसरा होता है कि जो गुरु होते हैं इनिशिएशन के वक्त ही बिकम्स अ गारंटर ना यज्ञ होता है अग्नि है वैष्णव है डीटीज है तो वहां पे गुरु महाराज क्या करते है कि कृष्ण को बोलते हैं माय डियर लॉर्ड ये व्यक्ति के लिए मैं गारंटर हूं मतलब जो बैंक में जाते हैं ना लोग बैंक में लोन लेते हैं बैंक बोलती थी, है भाई ठीक है मैं इसको लोन दे रहा लेकिन तुम्हारा गारंटर कौन मतलब गलती से अगर ये व्यक्ति लोन चुकता नहीं कर पा रहा है तो ये व्यक्ति उसके बिहाफ में भरेगा लोन उसको गारंटर बोलते हैं तो गुरु दीक्षा के वक्त क्या कर रहे गारंटर बन रहे मतलब क्या कि हे हे कृष्ण अगर ये व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाएगा जो इसने प्रॉमिस किया है तो मैं इसके बिहाफ में सफर करूंगा समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं तो गुरु शिष्य के लिए दीक्षा के वक्त गारंटी लेते हैं भगवान कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण किसकी बात सुनेगा उसको गुरु इतने शुद्ध भक्त तो कृष्ण ने ठीक है अभी गुरु महाराज बोल रहे, ये बोल रहे, ये महाराज बोल 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 रहे 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 हैं 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 ये ये व्यक्ति इसलिए मैं व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि तो आत्मसमण करने का प्रयास कर रहा है और आप बोल रहे हैं इसलिए है ना तो दीक्षा के वक्त क्या होता है दिव्यम ज्ञानम ये तो दुर्यात पापक्ष संशयम

देख चुका है दो चीज हो रहा है उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है आप लोगों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे यहाँ पे क्लास में बट uh, लग तो नहीं रहा है जो अवस्था देखिए के खिचड़ी खा के हो रही है वो बड़ी विकट अवस्था है सो व्हाट इज द प्री प्री रिक्वाइजिट व्हेन वन बिकम्स सो डिसइंटरेस्टेड इन मटेरियल एन्जॉयमेंट ही बिकम्स फिट फॉर इनिशिएशन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर When a person is serious about accepting Diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy, and control mind and mind and body. If one is so prepared and, and is desirous of, of receiving spiritual enlightenment, Divya Gyanam, he is fit to be initiated. एक्चुअली शास्त्र में ना स्क्रिप्चर्स में आपको ऐसा अलग अलग नहीं मिलता है फर्स्ट इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन इसके बाद बात चर्चा ही नहीं करते स्क्रिप्चर्स रूपा जी की बड़ी कृपा थी हम सबके ऊपर प्रूपा जी ने दोनों को अलग किया फर्स्ट इनिशिए अलग किया सेकंड अलग किया जब स्क्रिप्चर्स की बात बोलते हैं तो दे टॉक अबाउट इनिशिएशन हाँ हमारे कॉन्टेक्स में प्रोपा जी जो बात करते हैं वो होता है फर्स्ट इनिशिएशन See, जैसे एक बार एक व्यक्ति गया था एक गुरु के पास मुझे आपसे दीक्षा लेनी है तो गुरु बोले चलो थोड़ा जाके आएंगे बाहर तो गए दोनों साथ में नदी में गए नहाने तो गुरु ने क्या किया व्यक्ति का सर लिया पानी में डाल दिया दबा के रखा और कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाला उसको देखा वापस से डाला नीचे वापस देखा वापस डाला नीचे फिर निकाला फिर बोला तो गुरुमश गुरु क्या कर रहे है मेरे को मारना चाहते थे क्या लोग वापस आए तो गुरु महाराज बोल रहे हैं उसके कि देखो अभी तुम जब पानी के अंदर थे तुमको कितना नीड हो रहा था ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का बहुत नीड था ना अगर थोड़े से ज्यादा समय में उसको दबा देते नीचे तो क्या होता था मर जाता था वो व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए कितना तड़ तड़प रहा था, था तब तो गुरु बोले उसको कि जब तुम्हारे मन में इस तरह की इच्छा आएगा इतना तुम्हारा इसमें ईगरनेस है कि मैं गुरु के लिए रेडी हुई इस तरह के लिए तब आप रिक्शा लेने के लिए यह है वैदिक स्टोरी एक जो मैंने सुना था तो अभी तो कोई गुरु ऐसे कर नहीं रहे हम सबको है ना तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं लेवल के है? अभी वेन वन इज बिकम्स सोड इंटरेस्टेड यहाँ पे लिखा है तो क्या हम पूरी तरह से हुए हैं जो भी यहाँ पे दीक्षित है तो एटलीस्ट हम वो प्रोसेस में हैं हमने नहाना चालू किया है डिसइंटरेस्ट है मतलब उसका सिम्टम क्या है हम बाहर का कुछ खाते नहीं है अनऑफर्ड खाते नहीं है है ना ऐसा कुछ चीज़ खाते नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक है डोंट ईट नॉनवेज ये सब बाकी सब ग -ग गलत चीज़ हम नहीं खाते तो वो एक सिम्टम क्या है भले ठीक है वो इतना लेवल का सिम्टम होगा अभी ये जो यहाँ पे लिखा है वो इतना लेवल का है हम कहीं तो इधर तो है समझ रहे हैं आप तो हो सकता है कि हमारा डिसइंटरेस्टमेंट का जो लेवल है वो इतना नहीं है एटलीस्ट यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप देखिए okay. दैट्स सही है वो तो कैसे है कि कोई व्यक्ति अगर नहा रहा है नहा रहा है मतलब उसका पूरा मैल गया नहीं अभी बॉडी का जैसे हम कभी का होली खेलते हैं कलर पूरा भर गया है पर कोई व्यक्ति शावर के अंदर नहा नहाने आया नहा है हो सकता है उसका चेहरा भी क्लीन हो गया है और बाकी का पार्ट बचा है भी वहाँ पर कलर है पर नहा तो रहा है वो वो नहा रहा है प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है दैट्स इंपॉर्टेंट दीक्षा इज अ प्रोसेस एंड नॉट वन टाइम इवेंट ऐसा नहीं ठीक है सब वैष्णव बैठे थे मेरे को गुरुबा ने बीज दे दिए नाम दे दिए नाम दिया और फिर भी दीक्षा हो गया मेरा दीक्षा हो गया वो तो एक इवेंट था वो तो एक बस एक फॉर्मेलिटी था पर अक्ष अस्थिर दीक्षा हमारे हृदय में होती है जब हम गुरु का वचनों को अपना जीवन बनाते हैं तब तो जो व्यक्ति शिष्य होता है वो एक्चुअली दीक्षा होता तब हो जाता है इट्स अ प्रोसेस इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है वो गिरिराज महाराज बोलते हैं दीक्षा इज कम्पलीट वेन टू भाव एट दैट पॉइंट कृष्णा एक्सेप्ट द डिवोटी ऑन द सेम लेवल एज हिमसेल्फ एंड द डिवोटी बिकम्स एलिजिबल टू सर्व कृष्णा विद हिस्स सेंसेस भाव स्तर पे आने के बाद एक्चुअली दीक्षा कम्प्लीट होता है इस गिरिराज महाराज बोल रहे हैं मतलब हम सब लोग कहीं कहीं नहीं पहुंचे दीक्षा तक है इसका मतलब वही है इट टेक्स टाइम

क्लियर आप लोग कंफ्यूज है क्लियर है अनक्लियर है डिमोटिवेट क्या होना है इसमें एक्चुअली काफी हमको लगना चाहिए अरे ये स्टैंडर्ड है मैं उस स्तर पर नहीं हूँ ठीक है लेट मी गो है लेट मी ट्राई मोर लेट मी टेक मोर शेल्टर मोर एसोसिएशन मोर सर्विस जितना हम पतित है उतना हमको ज्यादा उत्साह आना चाहिए शेल्टर लेने का रोज सुबह गाते हैं हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे आगे क्या आता है उसमें मोसम पति तो प्रभु न पाई बार मैं पति थूं इसलिए मुझे आपकी कृपा की जो फर्स्ट व्यक्ति जो उसका एलिजिबल है मैं हूँ क्यों हूँ मैं मैं पति हूँ इसलिए आपके बिना मेरे लिए कोई होप ही नहीं है जितना पतित है जितना डिसक्वालिफाइड है नॉन क्वालिफाइड है उतना हम तीव्रता से उनका प्रार्थना कर पाते हैं उन तीव्रता से उनका शरण शरण ले पाते हैं जगह मोहम्मद ही देखिए क्या उनका था क्वालिफिकेशन है ना प्योर होने के मतलब महापुर ने उनको उद्धार करने के बाद भी कितना वो रिग्रेट कर रहे थे अरे हमने क्या क्या गलत किया लोग उनका आगे मारते थे फरत फतर उठा के जाते थे उनको बोलते थे लो वापस मारो मैंने बहुत पाप किया है तो वो मतलब प्रैक्टिस है फिर प्रैक्टिकल में आ रहा है उनका जो पति फील करते हैं ना एक्चुअली वो उसको फील कर रहे हैं वो तो बोलने वाला नहीं है तब फिर हम बोलते बोलते बस प्रजू मैं तो पति थूँ वो तो बस बोलने यहाँ तक ही रह जाता है बस मुंह तक ही रहता है वो मैं पतित हूँ वो यहाँ गले तक भी नहीं जाता है बतीत था अपना है ना तो ये जो है आपका आदो गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षा दीक्षादि शिक्षण विश्वम बेना गुरु सेवा जो सिक्सटी फोर आइटम में से पहले तीन आइटम्स है ये हमने यहाँ पे याद होगा हमने जो थर्टी फर्स्ट और फर्स्ट को गए थे उसने कौस्तुपू ने डिस्कस किया था है ना और भक्ति रसाम सिंधु में और डिस्कस होगा डिटेल में इसलिए हम उसको ज़्यादा यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं समस्त शास्त्रे उसमें क्या कहते हैं गुरु गुरु कृष्ण नहीं है पर गुरु को उसके सम हम रिस्पेक्ट दे रहे है ना

नॉट इवेंट है ना सो तो ये आप देखेंगे यहाँ पे वैधि साधना भक्ति के दरम्यान सो इज़ ऑफ़ द फॉर फॉर एडवांसिंग डिवोशन सर्विस तो उत्तम अधिकारी में फेथ कैसा होता है स्ट्रॉन्ग और कन्विंस होता है व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता उत्तम अधिकारी उसका नॉलेज कैसा होता है वो खुद स्ट्रांग होता है और दूसरों को ना जो उसका अपोजिट ओपिनियन होता है उसको कन्विंस कर सकता है व्यक्ति दैट इज द मीनिंग ऑफ उत्तम अधिकारी मध्यम अधिक क्या होता है मध्यम का व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति है? बहुत कन्विंस है ये ही करना है कभी छोड़ना नहीं है जो मैं कर रहा हूँ उसको उसका नॉलेज अच्छा होता है पर कभी क्या होता है ना कभी यह व्यक्ति काफी बार दूसरों को डिफीट नहीं कर पाता उसको कन्विंस नहीं कर पाता सामने वालों को कनिष्ठ व्यक्ति का फेथ कैसा है बहुत वीक है और इज इजिली स्प्रेड जैसा हवा आता है वैसा चला जाता है अरे आज ये बाबा आ गया ये बाबा कुछ कुछ अपना टॉक दे रहा है वो बाबा की तरफ अट्रैक्ट हो गया आज कल परसों कोई आ गया उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया ऐसा उसका फेथ होता है ऐसा उसका नॉलेज कैसा है वीक है वो तो खुद ही बहुत वीक है तो दूसरे को क्या वो आर्ग्यूमेंट करेगा किसके साथ उसे कैसे वो कन्विंस करेगा व्यक्ति को ये आपको समझ रहा है कि बस आप हाफ बोल रहे श्योर अभी हम एक्चुअली क्या है ना ये हर एक में वापस से जाने वाले कनिष्ठ वापस जाएंगे मध्यम वापस जाएंगे और उत्तम वापस जाएंगे एक बार और एक बार श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ कृष्ण भक्ति कैले सर्व कृत हो मतलब क्या तो ये यहाँ पे आपका सवाल का जवाब यहाँ पे हमारे शास्त्रों से आ रहा है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे हरे कृष्ण महामंद्र क्या प्यूरीफाई कर नहीं सकता पूरी तरह से कर सकता है पर क्या हमारा श्रद्धा है क्या हमारा विश्वास है काफी बार होता है काफी बार होता नहीं है आ? नहीं 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 मज़ा पॉइंट का है वीर एक बार श्रद्धा थोड़ा श्रद्धा चाहिए उसका विश्वास चाहिए किसके ऊपर प्रोसेस के ऊपर हरिम के ऊपर देखो एक्चुअली वन होली नेम मेम सफिशियंट प्यूरिफाई है सफिशियंट है पर उसको वो श्रद्धा से वो विश्वास से देखो जब हालांकि देखेंगे हम एक्सेप्शन है ये अजामिल का एग्जाम्पल एक्सेप्शन है ना क्या लगता है आप लोगों को कि उसने एकदम नारायण को बुलाया पर बच्चे को बुलाया विष्णु लेकिन आ गए मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था ये बरामनचारे का हाथ धोने गए थे मछली आके दाना खा गई राइस का चतुर्भुज बन गए तुरंत कैसे अरे उसको पता ही नहीं था क्या खा रहे कुछ तो खा रहे जो आ रहा है कुछ तो खा रहे थे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे उतना ही था उनका क्वालिफिकेशन मछली डिस्क्रिमिनेट किया स्वीट खाना है मुझे स्वीट नहीं खाना है मैं सिर्फ यही खाऊंगा जो आया खा लिया है ना तो उसी तरह से काफी बार वो श्रद्धा होता है व्यक्ति का बहुत तो कोमल श्रद्धा होता है हो सकता है कोई व्यक्ति का इनिशिएशन हो जाए मैं वही बोल रहा हूँ कि इनिशिएशन होना यह बेंचमार्क नहीं है मध्यम अधिकारियर बनने का ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का इनिशिएशन हो गया है पर अभी भी उसका श्रद्धा बहुत ही अभी तक नहीं है बिकॉज वी आर इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन हम institution में रहते हैं इंस्टीट्यूशन में हम लोग बराबर की गलत तो इंस्टीट्यूशन में काफी बार क्या होता है कि इट फंक्शंस एट टाइम इन डिफरेंट वेज आल्सो में क्या होता है आप कभी अरे ये मेरा बेटा ये ये दीक्षा दे दो तो उसको आप कैसे आप दीक्षा के ऊपर कैसे रजिस्टर करेंगे ठीक है दीक्षा इसका हो गया मतलब उसका मध्यम बन गया इसका वशीले से दीक्षा हो गया है तो हो सकता है कि उसका उसका दीक्षा हो गया आप लोग भी जानते कुछ एग्जांपल्स को दीक्षा हो गया पर इसका मतलब नहीं मद्दे -मद्दे के है मध्य में देके बनाए वो है बोलना चाहता ना? Correct, ना? है ना करेक्ट ना सैटिस्फाइड है आप बोलो क्यों सैटिस्फाइड <satisfied? laughs>

प्रोसेस में है मेनली एब्सोल्युटली हो गया है तो तो शुद्ध भक्ति बन गया ना फिर भाई क्या बचा है फिर उसके जीवन में प्रोसेस में है सी अगेन आर नो वी डोंट हैव एनी टू मार्क कि ठीक है तो प्रभु आप कितना डिसइंटरेस्ट हो गए उसका टेस्ट है ये टेस्ट ये मशीन से अंदर जाइए अगर आप इसमें दिखे हमको कि आप एटी परसेंट डिस है तो आप दीक्षा के लिस्ट में एक लाइन में बैठिए नहीं तो आप वापस चले जाइए ऐसा तो है नहीं अपने पास सिस्टम सो वॉट वी सी इज प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं ठीक है तीन साल के लिए वो हरे कृष्ण मधा जब कर रहा है माला चार नियम पालन कर रहा है एट सॉट वी सी प्रैक्टिकल हमको वही देखना पड़ेगा दूसरा क्या देखेंगे हम लोग उसको डिसेंडर्स है नहीं है उसको कैसे देखेंगे हम लोग इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्राइटेरिया तीन साल जब करो माला और चार नियम का पालन करो और रेगुलरली प्रोग्राम में आते जाओ तो उससे हमको पता चल है ठीक है उसका श्रवण चल रहा है उसका प्योरीफिकेशन जारी है अभी श्रवण होने से क्या हो रहा है हार्ट का क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है Understand no, what I'm saying. So we no. shadda is confident, firm faith that by rendering transcendent service to Krishna one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to disha devotion service. Faith means conviction that the goal, the goal of life is.

तो किसके बेसिस पे किया है महाप्रु ने श्रद्धा फेथ की और हमने अभी दे, देखा डेफिनेशन फेथ मतलब क्या होता है डिवोटी ऑन द एलिमेंट्री पोजिशन द इंटरमीजिएट पोजिशन एंड द हाइस्ट प्लेट ऑफ योर सर्विस अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ श्रद्धा और फेथ तो अभी देखो ये आपको और मैं और कुछ दिखा रहा हूं हो सकता है ये हमारा और फर्दर हमारा कुछ कंसेप्शन और इसमें हिले तो आप, आपका सीट्स को पकड़ के रखिए ताकि आपका फेथ यहाँ पे हिले ना थ्री टाइप्स ऑफ डी ओ टीज कनिष्ठ

नहीं। दे तो नहीं सी मध्यम अधिकारी जरी तो व्यक्ति अर्थ नहीं कि ही एज अ क्वालिफिकेशन इंटर ऑल्टर बिकॉज एज अ इंस्टिट्यूशन वी हैव डिसाइडेड इसको ने डिसाइडेड एंड एनीवन वन ब्राह्मण इनिशिएटेड ही कैन ओनली एंटर ऑल्टर सी कैंट एक ब्राह्मण है नहीं एंटर द ऑल्टर प्रॉब्लम का है ब्राह्मण क्या ऑल्टर में चला ठीक है नहीं मैं ठीक नहीं बोलूंगा आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है ऐसे ठीक है मत बोलो हाँ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर चलो अगर नहीं रखते थे ये कैरेक्टर नहीं रखते थे चलो से, सब सब आ जाओ तो क्या होता था अपना देखो देखो अभी देखो, कभी का अभिषेक होता है देखो, के तो जो भी वो भी आए अभिषेक के लिए क्यों किया ऐसा क्यों सारों को बुलाओ ना वो तो मैनेजल्स डिसीजन है मैनेज करना इजी होता है पर श्रीशैल नंबर कम है तो लोग कम लोग मैनेज करना इजी है प्रैक्टिकल चीजें ना ये सब उसके श्रद्धा से कोई संबंध नहीं उसका इतने गुस्से को देख रहा है ये <laughs> <laughs> मैं आपको देखो उसका कोई पॉइंट नहीं है सबसे पहले आपको एग्जांपल एक एक बोलता हूँ हमारे पास जीबीसी मीटिंग था है ना आपने देखा होगा एक बार हमने बैरिकेटिंग ट्राई किया था पूरे टेम्पल हॉल में और ड्राई रन जैसा किया था ड्राई रन मतलब वो समय अगर होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है हम देखने के लिए ट्राई किया था हम लोगों ने वो समय थैंक यू